फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फाइनली मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहे, मेरी यही दुआ है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या यूज़ होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, सब कुछ सिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन का ये एक डिज़ाइन देखो, ये देखो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने की और समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन का डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम बिना देरी के हुए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे सामान ले लिए हैं। क्वेश्चन बनाने में क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ये देखो। मैंने यहाँ पे साटन का कपड़ा लिया है। फ्रेंड्स, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर का कपड़ा यूज कर सकते हो, या एक भरबे टाइप का आता है वो भी यूज कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमने चौक लिया है। सेम कलर का हमें धागा भी चाहिए होगा इसमें सिलाई करने के लिए, इसलिए हमने सेम कलर का धागा लिया है। ये स्केल है फ्रेंड्स, बड़ी वाली स्केल है। अगर आपके पास बड़ी वाली नहीं मिल रही है तो छोटी वाली से भी हो जाएगी, या आप इसको इंची टेप को भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलो हम इसको निशान लगाना और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कपड़ा ले ली हूँ, इसमें निशान भी लगा है। मैं आपको एक चार्ट पेपर में भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये जो लंबाई की साइड है वहाँ पे हमने 60 ली है, और जो सिलाई के लिए है आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इधर से यहाँ पे 24 लिया है, ऊपर से चौड़ाई लिया है। लंबाई मैंने यहाँ पे 60 लिया है। ये 24 के साइड बिल्कुल कपड़ा हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सिलाई के लिए 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे दोनों साइड से, इधर से और उधर से। और साइड साइड से जो 60 इंच की लंबाई है उस साइड से हम 3 इंच का गैप रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 3 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा है, और यहाँ से हमने इसको डिज़ाइन लगाना स्टार्ट किया है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये देखो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो, पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करके हमने निशान लगाया है। बीच में एक बॉक्स हमें छोड़नी है, और फिर से राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट करके निशान लगानी है, फिर एक बॉक्स छोड़नी है, फिर टोटल यहाँ पे बॉक्स हमारे, मैंने आपको भी काउंट करके मैं बता रही हूँ कितने इसमें बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बॉक्स है। टोटल बॉक्स 1 इंच के हैं, 1 इंच के गैप पे निशान लगे हुए हैं, और 1 इंच के टोटल गैप हैं और टोटल बॉक्स बने हैं। ओके फ्रेंड्स, और बीच में 2 इंच का गैप है। जैसे हम या इधर और इधर से दोनों साइड से हम लेंगे इसको, तो 2 इंच का अपने आप ऑटोमेटिक 2 इंच का बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। वापस से फिर से हमारे पास ये चार्ट पेपर इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना में ही समझा रही हूँ। फ्रेंड्स, वापस से 2 इंच का गैप हो गया, फिर साइड से हम इसको सेम ऐसे ही डिज़ाइन इधर भी बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने उस चार्ट पेपर में मैंने आपको समझा दिया। अभी रही कपड़ों की बात, ये देखो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो इस टाइप से निशान लगे हैं, और बीच में 2 इंच का गैप है, साइड से 3 इंच का गैप है, और जो इस साइड का है इधर हमने 1 इंच का गैप रखा है वाली सिलाई करने के लिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए हम इसको आप एक बार सिलाई करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रेड कलर की धागा ले लिया है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से निशान लगाया था, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स। अगर इसमें आप कहीं से भी सिलाई कर रहे हो तो एक ही साइड से सिलाई स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि हम एक लाइन इस साइड से ले गए फिर एक लाइन उस साइड से लेके आए तभी सिलाई की, ऐसा बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स, कि नहीं तो आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए हम इसको सिल के बताती हूँ कैसे सिलना है। जो यहाँ पर हमने क्रॉस का निशान लिया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्रॉस का निशान लिया है, वहाँ से सिलाई को हम पक्की कर लेंगे। हमेशा हम कपड़े को उल्टे साइड रख के ही निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखो, ये साटन का कपड़ा सीधी साइड है, हमने उल्टी साइड से निशान भी लगाया है और इसको बनाना भी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये इसको सिलाई को पक्का कर दिया है, फिर यहाँ से हम सिलेंगे इस टाइप से। फिर दोनों को फ्रेंड्स सब कर जब आप लोगे और इसको खींचोगे तो ये अपने आप एक फ्लावर की शेप आ जाएगी, और एक बार इसको पक्का कर लेना है, सिल के नोट लगा लीजिए इस टाइप से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे साइड से देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आप मुझे, ये दूसरे साइड से लिया,
फिर इसको हमने एक फिंगर डाल फिंगर की सहायता लेके इस टाइप से किया। फ्रेंड्स इसको हम इस टाइप से इसलिए करते हैं क्योंकि धागा का डिस्टेंस रहे, धागा एक दूसरे को खींचे नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन कुछ हमारी इस टाइप से आएगी। थोड़ा और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको फिंगर में धागा अटैच करके नहीं आ रही है इसको बनाने, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से सिखा रही हूँ सिलाई करना, लेकिन फ्रेंड्स इसको दो बार ज़रूर धागे को सुई के ऊपर से घुमाएं ताकि इसकी नॉट जो है वो बहुत टाइटली और बहुत अच्छे से लगे, क्योंकि हमारी कॉटन डालते समय इसकी नॉट टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वापस से इसको बनाना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक नॉट लगा लिया, फिर इसको सीजर से कट कर दो, फिर नॉट लगा के फिर नेक्स्ट बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइप की सारी डिज़ाइनें बन के रेडी होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से, अभी हमें थोड़ी पता नहीं चल रही है फिर भी इस टाइप से बनेगी साड़ी। हम ऐसे ही एक बार में दो लाइन स्टार्ट करेंगे, जब भी हम सिलाई करेंगे इस साइड की भी सिलाई स्टार्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों एक ही साथ लेके जाएंगे इस सिलाई को, इसलिए जब भी हम करेंगे एक ही साथ इसका सिलाई करेंगे। चलिए हम इसको पूरा सिलाई करके कंप्लीट करके फिर मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक लाइन थोड़ा सा बना लिया है, फिर आपको नेक्स्ट वाला भी सेम वैसे ही बनाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से दोनों को जब आप दोनों साइड दोनों कॉर्नर से उठाएंगे धागा को खींचेंगे, फिर अपने आप ये दोनों साइड की कॉर्नर अपने आप ही जॉइंट हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स इस तरीके से, मैं यहाँ पे फिंगर का यूज कर रही हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। इस टाइप से ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डिज़ाइन पूरी बन के इस टाइप से आएगी। हमें पूरी डिज़ाइन ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाया था, कुछ इस टाइप की डिज़ाइन आएगी। ये देखो फ्रेंड्स इस टाइप की डिज़ाइन आएगी, इसको हम अब इसको सिलाई करना है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रखेंगे। मैंने ये लंबा की साइड थी इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से हम इसको सिलाई चलाएंगे हाफ हाफ इंच को, हाफ हाफ इंच छोड़ के सिलाई चलाएंगे। उसके बाद यहाँ की डिज़ाइन हम आपको बताएंगे कि ये आगे की डिज़ाइन कैसे बनेगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स मैंने कुछ अलग से ये कपड़ा लिया था जो साइड से हमने काटा था, ये टोटल आठ इंच की है। फ्रेंड्स इससे हम एक लड्डू बनाएंगे, जो कुशन के ऊपर राउंड शेप की लड्डू बनी रहती है वो वाली बनाएंगे। चलिए मैं आपको ये लड्डू बनाना सिखाती हूँ। मैंने ये कॉटन लिया था, उसको अच्छे से ऐसे राउंड शेप करके फोल्ड कर लेना है, फिर इसको इस तरीके से करना है। फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन में दो लड्डू की ज़रूरत होगी, इसलिए हम इसको बीच से दो पार्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे दो लड्डू इसमें बन के रेडी हो जाएंगे।
टाइप से कर लें, यहाँ पे डालें, और जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का, सेम कलर का मैंने धागा भी यहाँ यूज़ किया है, आप देख सकते हो। इसको 3-4 बार फोल्ड कर लें। ये हमने धागा रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे छोटी या बड़ी लड्डू अपने हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, इसमें थोड़ी और कॉटन डलेगी इस टाइप से। ये देखो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इस टाइप से करते जाना है, एकदम राउंड शेप आनी चाहिए। इस टाइप से, और अब इसको हम बांध देंगे। अच्छे से टाइट करके बांधेंगे। ये देखिए, ये मेरी लड्डू बन के रेडी है इस टाइप से। चलिए मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने पहले वाले किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने एक कपड़ा लिया है, और इसको उल्टे के साइड पलट देना है, और इतना कॉटन लेना है इस टाइप से। ऐसे इसको अच्छे से लड्डू बनानी है। राउंड शेप देंगे इसको, और जो धागा लिया था हमने उसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, इसे बांध देनी है अच्छे से टाइटली करके, ताकि ये खुले नहीं बाद में। फ्रेंड्स, थोड़ा इधर आवाज़ें आ रही हैं बाहर की, थोड़ा इसको इग्नोर करें। तरीके से गांठ लगा देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन में एक सिक्के से भी बनता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन में मैं ऐसे ही डालती हूँ। आप भी एक बार ऐसा ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे 2 लड्डू बन के रेडी हो गए हैं कुशन में डालने के लिए। कुशन को अब मैं सिलाई करके, और उसको इसमें कैसे इसको डालकर सिलाई करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इधर से इसको सिल के ला दिया है मशीन से। मैं आपको इसको पलट के भी दिखा रही हूँ। ये देखो हमारी कुछ इस टाइप से बनी है डिज़ाइन, मैं इधर की आपको सिलाई बता रही हूँ। सिलाई हमने जो वहाँ से सिलाई की थी उधर ही से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे चुन्नट बनती जाएगी वैसे वैसे इसको हम बैठाते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से भी कंटिन्यू करते रहेंगे इक्वली हाफ इंच के डिस्टेंस पे स्टेप्स। इस
तरीके से इसको हम पूरा ऐसे एक ही धागे में पूरी सिल के पूरी सिल देंगे। ये देखिए तो हमने सारे सबको सिल के इकट्ठा कर लिया है। इसमें जो हमने एक बॉल बनाई थी उसको डालेंगे। इस टाइप से और इसको खींच देंगे। खींच के अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। फिर वापस इसको ऐसे बांध देंगे। फिर उसमें यहाँ पे हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बन गई है। ये देखो हमारी ये बन गई है। अभी मैं जब इधर कॉटन डालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी अच्छे से सिलाई। ये देखो फिर से इसमें हम कॉटन भरेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कॉटन डाली थी और इसको जैसे उस साइड मैंने इसको सिलाई किया था हाफ हाफ इंच के गैप पे टोटल एक ही धागे से, वैसे ही इस साइड भी कॉटन डालने के बाद सिलाई होगी। अब देख रहे हो इस तरीके से, फिर ऐसे इसको खींच के हम बांध देंगे। चलिए इसमें हम और कॉटन डालते हैं। अच्छे से इसको हम भर लेंगे। काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर बना है हमारा ये। ये देखिए हमको जो हमने ये लड्डू बनाया था उसको अंदर की तरफ डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस टाइप से बनेगी हमारी ये। चलिए हम इसको सिल देते हैं ऐसे खींच के। अच्छे से खींच के टाइटली इसको हम इस टाइप से कर देंगे क्योंकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये सारी चुन्नटों को हम अच्छे से बैठा देंगे। इस तरीके से सिलाई करके तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कुशन बन के रेडी है। ये देखिए मैं आपको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरा कुशन का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। देखिए तो ये मेरा कुशन बनके पूरा रेडी है। ये आपको कुशन का डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये कुशन पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है, फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसको बनाने में तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी आपको इसको वापस फिर से समझाने की। और ये एक बार कुशन ज़रूर आप ट्राई करना फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखो कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से ये डिज़ाइन इसकी आएगी। आप देख सकते हो मेरी ये कुशन की डिज़ाइन बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बनी है। ये देखो फ्रेंड्स एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूले फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये क्वेश्चन पूरा बनके रेडी है। कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसको फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल में कोई भी डिज़ाइन पसंद आ रही है, मैक्रम या कुशन की और कोई भी डिज़ाइन सीखनी है, तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने आपको कुछ इस टाइप से इसकी डिज़ाइन बनी है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वापस इसको बना के सिखाऊंगी। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।